बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो आज हम बात करेंगे हाउ द एनवायरनमेंट इफेक्ट आवर हेल्थ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और जिसमें डेफिनेशंस कुछ हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें प्लूटेंट से बचना चाहिए अपनी हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस होते हुए। सो डिजीज इज ऑफन ड्यू टू एन इम्बेलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर एडजस्टमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। सो बीमारी जो है वो हमेशा होती है जब आपका ताल्लुक आपके एनवायरनमेंट के साथ सही नहीं होता, और देयर इज ऑलवेज अ इल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर एनवायरनमेंट। सो पुअर एडजस्टमेंट जो है उसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आजकल कोरोना का इशू आया हुआ है, तो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट डिजीज। सो यू हैव टू वेट, इसलिए कहते हैं बार बार हाथ धोएं, फेस को कवर करें, मास्क पहने, तो आपकी जो बहुत सी डिजीज हैं वो आपके एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखती है। सो if you are not having a proper adjustment with the environment, then you get a disease. So poor adjustment jo hai wo ek bada important cheez hai. If you have a good adjustment with your environment, then you are safe from a disease. Okay, so ye as a result exposure to chemicals and environment we may get chronic diseases. So the less exposure that you have, there are more chances of you to be healthy. But if you have more exposure with the from the environment, then you have more chances of a disease. So, आपका ताल्लुक जो एनवायरनमेंट का साथ है वो किस है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं या कितने चांसेस हैं आपको बीमारी लगने की। ठीक है, सर्टन है वन और वन कॉज और वन इफेक्ट, लेकिन समटाइम्स एक कॉज होता है, समटाइम्स सेवरल फैक्टर्स भी होते हैं। जरूरी नहीं कि एक चीज होती है, दो तीन चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं, गंदा पानी पी लिया, साथ आपने जो खाली खुराक या चीज खाई वो भी कंटामिनेटेड थी, दो तीन चीजें मल्टीपल भी होगी। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल। सो ये सारी चीज़ें आपके कम मैटर करती हैं आपके लाइफस्टाइल के साथ, और आपके आपको हेल्दी रखने के लिए या अगर आपका लाइफस्टाइल या आपको बीमार करने के लिए। सो योर फिजिकल एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग, आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो आपके आस पास जहाँ जहाँ चीज़ें हैं, और योर लाइफस्टाइल, हाउ यू आर हैविंग योर लाइफस्टाइल। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चांसिंग ऑफ एक्सपीरियंस सीरियस एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिजीज डिपेंड्स ऑन द वाटर वी ड्रिंक, अगेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, द एयर वी ब्रीथ आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है, द सॉइल वी ग्रो क्रॉप्स इन, द रॉक वी बिल्ड आवर होम्स ऑन। रॉक से रेडिएशन आती हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन होती हैं जब रॉक्स जैसे आती हैं। सो ये चारों चीजें जो हैं दे आर अगेन पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। सो आपका जो एनवायरमेंट से ताल्लुक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हेल्दी और टू मेक यू सेफ। नेचुरल प्रोसेसेस कैन रिलीज हार्मफुल मटीरियल इनटू द सॉइल, बट वेरी रेयर, समटाइम्स इट डज। वोल्केनो हो जाता है, मिसाल का इरप्शन हो जाता है, उससे हवा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, सांस का बसा भी हो जाता है, या मिसाल के तौर पे समटाइम्स कहीं पे कोई लैंडस्लाइड हुई है तो कुछ गैस है वो रिलीज हो सकती है। सो नेचुरल प्रोसेसेस से भी समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे हम पे एग्जांपल जो है वो अफ्रीका की है और कैमरून में लेक नॉइस जो थी एक्सपीरियंस सडन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अराउंड 1800 पीपल इन द टाउन वर किल्ड। ठीक है, तो एनीवन द एनिमल्स दे डाइड इन अफ्रीका। Terminologies which is very general, which are very important over the course of the course jo hum padhenge, very important in environmental courses. Polluted environment kaun sa hota hai, jo impure hota hai, dirty hota hai, unclean hota hai. Pollution refers to occurrence of unwanted change in the environment. So what does pollution mean? Pollution mean any unwanted change which is not wanted, that unwanted change in the environment is known as pollution. And pollutant is the chemical that cause pollution. Introduction of harmful material or the production of harmful material. Another definition of pollution: introduction of harmful material or production of harmful pollution. ठीक है? Contamination एक और लव्स है, which is more or less similar to pollution, but we will see what's the definition. The definition is implies making something unfit for a particular use through introduction of undesirable material. जब कोई आप चीज यूज कर देते हैं और उसकी वजह से वो अनडिजायरेबल मटीरियल की ऐड करते हैं और उसका उसका जो खास इस्तेमाल है वो आप उसको नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर पानी है उसके अंदर आप मट्टी डाल देंगे तो गंदला पानी हो गया, पानी जो है वो पोल्यूटेड है, लेकिन वो पानी आप पौधों को दे सकते हैं, वो पानी जानवरों को पिलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप पानी के अंदर एसिड डाल दें तो अब वो पानी कंटेमिनेटेड हो गया, अब उसका जो इस्तेमाल है यानी अब वो आप ना जानवरों को दे सकते हैं ना ही पौधों को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दे दी आपको पोल्यूशन की और कंटेमिनेशन की,
ताकि क्लियर हो जाए आपको कि दोनों में किस नाम से डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, टॉक्सिक रेफर्स टू मटेरियल्स दैट आर पॉइजनस टू पीपल एंड अदर बीइंग्स। टॉक्सिक ऐसे वो मटेरियल होते हैं जो पॉइजनस होते हैं इंसानों के लिए भी और दूसरे जानवरों के लिए भी। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस और दैट स्टडीज केमिकल्स दैट आर नोन टू बी और कुड बी टॉक्सिक। और टॉक्सिकोलॉजी जो है वो साइंस है जिसे हम स्टडी करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को और उनके इफेक्ट को, उनके इम्पैक्ट को, ठीक है। कार्सिनोजेन ऐसा टॉक्सिक होता है जो कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजेन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टॉक्सिन दैट कॉज कैंसर। सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा लोग करते हैं उसी टॉक्सिन से करते हैं जो कैंसर कॉज करता है। सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म होता है कंबाइन इफेक्ट, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस रिजल्टिंग इन टोटल इफेक्ट दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट सब्सटेंसेस, ठीक हो गया। यानी एक ऐसा चीज, उर्दू में मिसाल दे देता हूँ, हम इसे कहते हैं ना दो और दो पांच, एक और एक ग्यारह। यानी अगर एक और एक को जमा करें तो वो बनता है दो, और दो और दो को जमा करें तो वो बनता है पांच। लेकिन सिनर्जिज्म ऐसा होता है कि जब दो कंपाउंड मिलते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो उनके सम से ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इंडिविजुअली अगर हम देखें किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल का, सब्सटेंस का इफेक्ट, वो और दो का कंबाइन कर दें वो, लेकिन जब सिनर्जिज्म होता है तो इस तरह से कंबाइन होते हैं वो कि उनके सम से ज्यादा उसका इफेक्ट होता है। मैंने मिसाल दी दो और दो पांच, वेरी वेरी कॉमन गुड एग्जांपल उर्दू हिसाब से। सो यहाँ पे दी हुई एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड और कोल डस्ट की। इसी तरह स्मोक, स्मोक में क्या हो गया, आपके सामने विजिबिलिटी भी कम हो गई, आपके सामने इरिटेशन भी हो गई, एलर्जी भी हो गई, तो अब क्या हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है स्मोक के अंदर। अब स्मोक है और उसके अंदर मिसाल के तौर पर कोल डस्ट शामिल है और सल्फर डाइऑक्साइड तो उसमें होती है, इवन NO2 भी समटाइम्स वो भी कॉज होती है आपकी स्मोक के अंदर। सो कंबाइंड इफेक्ट जब हो गया तीन चार टोटल का तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। समटाइम्स सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इज वेरी वेरी, ये आगे इस्तेमाल होगी हम काफी ज्यादा। पोल्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट एट पॉइंट सोर्स सच एज स्मोक स्टैक्स, ये आपकी चिमनियां होती हैं, बहुत बड़ी पाइप्स डिसाइडिंग इनटू वाटरवेज स्ट्रीम्स एंड इन ओशन एंड एक्शन। पॉइंट सोर्स हमारा किसी एक पॉइंट से पोल्यूशन का एनवायरनमेंट में दाखिल होना, उसे हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। किसी एक पॉइंट से एनवायरनमेंट का पोल्यूशन का दाखिल होना दैट इज पॉइंट सोर्स। अदर इज एरिया सोर्स, किसी खास एरिया से नॉन पॉइंट व्हिच आर मोर डिफ्यूज ओवर द लैंड इंक्लूड अर्बन एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ मोबाइल सोर्स सच एज ऑटोमोबाइल। मोबाइल सोर्स क्या है, जो मूवेबल है, जैसे कार का धुआं या जैसे कोई बंदा सिगरेट पी रहा है और वो मूव कर रहा है तो वो मोबाइल सोर्स है। एरिया सोर्स है बहुत बड़ा एरिया, इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल जोन, वहां से जो पोल्यूशन आ रही है। एग्रीकल्चर लैंड, वहां से जो स्प्रे होता है वो पानी में बैठ के स्प्रे आ रहा है, सो वो एरिया सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स हमारा है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ से पोल्यूशन रिलीज हो रही है। किसी एक फैक्ट्री की हम बात कर सकते हैं, किसी एक हाउस होल्ड की हम बात कर सकते हैं, वो सोर्स। सो दीज आर वेरी थ्री इंपॉर्टेंट सोर्सेज, पॉइंट सोर्स, इन सोर्स एंड मोबाइल सोर्स। हाउ वी मेजर द पोल्यूटेंट, द अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट और टॉक्सिन present is reported into different ways, millions of gallons, tons per year, and sometimes milligram per kg or parts per million ppm जिसे हम कहते हैं, या parts per billion ppb से कहते हैं। Most common इस्तेमाल होते हैं ppm and ppb. These are the very common example percentages of or the units that we use for measuring the amount of. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करती हैं ड्यू टू इन्फेक्शन एजेंट्स, स्प्रेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू एयर एंड सॉइल, कैन ट्रेवल ग्लोबली वायर वाया एयरप्लेन्स। ठीक है, न्यू डिजीज इमर्जिंग एंड प्रीवियस वन री इमर्जिंग। सो बहुत से इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कि एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं, न्यू ऐसे डिजीज होती हैं, ग्लोबली ट्रेवल भी होते हैं, वो करते हैं, फूड में, वाटर में, एयर में, सॉइल में मूव करते हैं। सो अगेन दे ऑल कैन बी प्रिवेंटेड बाय मैनिपुलेटिंग द एनवायरमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट को चेंज कर लें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो हम इन्फेक्शन एजेंट से और इन्फेक्शन डिजीज से बच सकते हैं। टॉक्सिक हैवी मेटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, दीज आर वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमन बॉडी, टू एनिमल्स, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हैवी मेटल्स हैं, द मेजर हैवी मेटल्स दैट वाज हेल्प इंक्लूड द फॉलोइंग: मर्करी, लेड, कैडमियम, निकल, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, बिस्मथ, आर्सेनिक, सेलेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड थैलियम। ये सारे मेटल्स दे आर हाईली हाईली टॉक्सिक। ये अगर आपकी फूड में आ गए, ये अगर आपकी बॉडी के अंदर आ गए, तो दे आर वेरी, इवन इफ दे आर पार्ट ऑफ योर वाटर, तो दे आर वेरी डेंजरस। आर्सेनिक पानी में होता है, कुछ जगहों पर बड़ा मसला आर्सेनिक का, बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको बताया।
इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर लड है या मरकरी मरकरी कुश में आ जाती है तो उसके ऐसे भी बहुत से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं एंड इट इज वेरी हेरी डेंजरस टू द हेल्थ. ईच में बी फाउंड इन सॉइल वाटर और नॉट कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमंस. जरूरी नहीं है कि इंसान ही करें, समटाइम्स कुछ जगहों पे वैसे ही अमाउंट ज्यादा होती है फॉर सम अदर रीजन, बट अहम चीज यही है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज दीज हैवी मेटल्स दे आर रियली रियली डेंजरस एंड दे कैन कॉज रियली सीरियस हेल्थ थ्रेट्स. Often have direct physiological effects stored in the living tissue. Direct effect होता है और जितने heavy metals हैं ये fatty tissues में store होते हैं, जो fat cells हैं वहाँ पे store होते हैं आपके और फिर ये problem करते हैं. Content in our body refers to as body burden. कितना body burden बना रहता है, कितना ज़्यादा body बर्दाश्त कर सकती है body burden. तो एक amount है, उस amount में अगर होंगे तो problem नहीं करते, लेकिन उस amount से जब exceed करते हैं तो फिर हमारे लिए symptoms भी शुरू हो जाते हैं और complications शुरू हो जाती हैं human body में. टॉक्सिक पाथवेज केमिकल एलिमेंट्स एंड बिकम कंसंट्रेटेड. इसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं. बायो मीन लाइफ, मैग्निफिकेशन मीन इंक्रीज. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी केमिकल का किसी सब्सटेंस का इंक्रीज हो जाना बायो मैग्निफिकेशन होता है और ये स्लोली होता है, एकदम से नहीं, ऐसा ऐसा वो आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है, फिर जब वो खास मिजाज पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद उसके इफेक्ट्स और सिम्टम लगाने लगेंगे. एक्युमुलेशन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लिविंग थिंग्स एज इट मूव्स थ्रू द फ्यूचर. तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. बहुत से हैवी मेटल्स बायो मैग्नीफाई होते हैं, थोड़ा 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 आप खाने आपको पता नहीं ज्यादा बॉडी में वो मैग्नीफिकेशन हो रही है, यानी उनकी उसकी अमाउंट बढ़ती आ रही है और फिर जब वो खास अमाउंट पहुंचेगी तो खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और फिर बड़े सीवियर प्रॉब्लम होते हैं और फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिफ्रेन और वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय केमिकल्स. ओके, एग्जाम्पल कोई कैडमियम और मर्क्यूरी की है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन की बेस होती है उनकी. सो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन का जो बेस है स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस नेचुरली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिंथेटिकली बाय ह्यूमन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. जिनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं और समटाइम्स इवन सिंथेटिकली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, उनके अंदर कार्बन की बेस होती है. ठीक है, और जो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट दैट मच डेंजरस बिकॉज ऑल द फूड दैट वी हैव दैट वी ईट दे आर मोस्टली नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास, लिपिड्स हैं हमारे पास, प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर ऑल नेचुरली अकरिंग, दे आर नॉट डेंजरस. द डेंजरस वन आर द वन विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड द वन विच आर सिंथेटिक जो लैब्स में लेबोरेटरीज में फैक्ट्रीज में बनते हैं, दे आर हाई डेंजरस. यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस पेस्ट कंट्रोल फार्मास्यूटिकल्स फूड एडिटिव्स, इसलिए फूड एडिटिव्स जो है वो भी सिंथेटिक कंपाउंड हैं. और 20 मिलियन इसी की एक टाइप है सिंथेटिक की जिनको हम कहते हैं पॉप्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक फ्लूकेंट्स. मे बी मे प्रोड्यूस अ हैजर्ड फॉर डिकेड्स और हंड्रेड ऑफ इयर्स. फर्स्ट प्रोड्यूस व्हेन दे आर हार्म वाज नॉट नोन, नाउ बैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड. एक टर्म इस्तेमाल होती है डर्टी डजंस, वो इन्हीं के हैं, इसी की टाइप है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक फ्लूकेंट्स की. डर्टी डजंस यानी ऐसे जो 12 बड़े गंदे केमिकल्स बहुत नुकसानदेह, दे आर पार्ट ऑफ प्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स ही हैं. तो 12 वेरी फेमस डर्टी डजन कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं एनवायरनमेंट में, उनको कहा गया है, लेबल किया गया है एज अ डर्टी डजन कंपाउंड. ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, DDT. अगर आपको याद हो हमने एनवायरनमेंट हिस्ट्री की बात की थी कि वो इंसेक्टिसाइड की जो बैन हो गई है और उस वक्त जब रेचल कार्सन ने साइंस फील की थी उस वक्त इसका रोल था. सो ये भी पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड बंद होगी. बाकी एल्ड्रीन है, PCBs, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, वेरी बिग ग्रुप ऑफ पॉप्स, अगेन हाईली हाईली डेंजरस, एंड डायऑक्सिन एंड सो ऑन सो फॉर्थ. तो बहुत से और भी मैंने बताया, तकरीबन 12 डर्टी हैं, इसके अलावा और भी बहुत कॉमन है. तो ये मेजर है जिनके नाम यहाँ पे शेयर हैं. दे आर वेरी हाईली हाईली डेंजरस सिंथेटिक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक प्रोटीन्स और इन्हें पॉप्स कहते हैं. परसिस्टेंट यानी ये परसिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक प्रोटीन्स. थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं. दे हैव सेवरल प्रॉपर्टीज दैट डिफाइन देम. दे हैव कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाईली रिएक्टिव क्लोरीन होती है इनके अंदर, सिंथेटिक हैं, दे डोंट यूजली इजीली ब्रेक डाउन इन द एनवायरनमेंट, दे आर फ्लोटिंग एंड टॉक्सिक, दे आर सॉल्युबल इन फैट एंड लाइकली टू बी फैट सेल्स में जो है वो सॉल्युबल होते हैं और फिर एक्युमुलेट कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में. ओके, एंड दे अकर इन अ फॉर्म दैट अलाउज देम टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर, सेडिमेंट, कॉलोनीज.
और ऐसे मौजूद होते हैं कि विंड से, वाटर से, सेडिमेंट से काफी लंबा सफर कर सकते हैं, यानी दे आर इजीली ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, आराम से उनकी ट्रांसपोर्ट मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये वही डेफिनेशन हम देख रहे हैं और डिफरेंट हम देख रहे हैं किस तरह हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन इज वेरी सीरियस टू हेल्थ प्रॉब्लम्स और इंक्लूडिंग कैंसर। रेडिएशन आर वेरी डेंजरस, जो है रेडिएशन है इसके बहुत सीवियर इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि रेडिएशन नजर नहीं आती आपको और खुदाना खास्ता कहीं पे है, ये बहुत ज्यादा सीवियर होती है। थर्मल पोल्यूशन यानी हीट पोल्यूशन, व्हेन हीट इज रेज़ इन टू द वाटर और एयर प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड नोन एज हीट पोल्यूशन। सडन एक्यूट इवन लॉन्ग टर्म क्रॉनिक रिलीज, ऐसा भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, यानी सडन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। हीटेड वाटर रिलीज इन टू द रिवर चेंजेस टेंपरेचर एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, अगर आप गर्म पानी दरिया में छोड़ देते हैं, ये ज्यादातर जो पावर प्लांट्स होती हैं वहां से फ्री हीट कम होता है। जैसे हमारे पास सहीवाल पावर प्लांट लगा हुआ है, जब से वो लगा है मुख्तलिफ स्टडीज हैं वो खुद कहते हैं टेम्परेचर सहीवाल का बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू सम 1 डिग्री और सम अकॉर्डिंग टू सम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शहर का बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे अब मुसलसल कोला जल रहा होता है और वो जो है उसकी हीट जो है वो हवा में मिक्स हो रही है, तो एयर अगर है वार्म एयर है वो भी काफ़ी नुकसानदेह है, आपको टेम्परेचराइज कर देती है, और अगर वार्म वाटर है और उसी को आप दरियाओं में या पॉन्ड में या लेक्स में उसको आप रिलीज कर दें तो वो भी डेंजरस करता है। ये यहाँ पे यही बात है कि वाटर सिंपली चेंजेस द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, रिवर्स स्पीशीज कंपोजिशन, ठीक है। हीटिंग वाटर चेंजिंग नेचुरल कंडीशन एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, फिशेज स्पॉनिंग साइकिल्स में डिस्टर्ब, फिशेज के जो साइकिल हैं मूव से स्पॉन करने वाले उनके अंडे देने के जो साइकिल्स हैं वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो टेम्परेचर डिजायरेबल नहीं होगा, तो जो अंडे देने होते हैं खास टेम्परेचर पे वो नहीं सकती, तो मतलब उनका लाइफ साइकिल ही पूरा डिस्टर्ब हो गया फिशेज का। फिश में है हाइट डिजीज उनको हो सकती है इसकी वजह से, और स्ट्रेस आ जाता है फिशेज के ऊपर, तो ये बहुत से प्रॉब्लम हैं। ईजिली प्रे शिकार हो जाता है उनका बहुत जल्दी पानी का, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है टाइपेबिलिटी ऑफ फूड, पानी की केमिकल कंपोजिशन बढ़ जाती है जब आप गर्म पानी रिलीज करते हैं। ये एग्जाम्पल है थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उनसे, एक तो ये एयर जो रिलीज हो रही है, दूसरा जो वेरी हाई वाटर होता है जो क्योंकि आपको पता है टर्बाइन चलती है तो स्टीम से फिर वो पानी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसको अगर आप एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे ऐसे ही और कूलिंग के बगैर, देयर आर कूलिंग टावर्स जिसमें पानी कूल किया जाता है, अदरवाइज दैट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। सो दिस इज थर्मल पोल्यूशन और हीट पोल्यूशन। पार्टिकुलेट्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो पार्टिकल से भी छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टिकुलेट, वेरी स्मॉल टाइनी माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट रिलीज इन टू द एटमोसफेयर में बाय मैनी नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज, कुदरती तौर पर भी आ सकते हैं, आंधी चल गई तो हवा के साथ मती उड़ गई या बहुत से जरात बहुत माइन्यूट जरात हवा में होंगे, उन्हें हम पार्टिकुलेट्स हैं, और ह्यूमन की वैसे तो जिस तरह ह्यूमन फैक्ट्रीज है स्मोक रिलीज हो रहा है वो पार्टिकुलेट वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग से आते हैं, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल से आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स मैंने एग्जाम्पल दे दिया ऑलरेडी, वोल्केनिक इरप्शन जब आती दिखा पड़ता है बहुत ज़्यादा, पूरा जो है आसपास इतना ज़्यादा गर्द चली जाती है और वो गर्द फिर वो हवा में मौलिक रहती है। पार्टिकुलेट्स आर सो स्मॉल के जब ये हवा में शामिल होते हैं तो हवा में काफ़ी देर तक रह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सालों भर में कि हवा में काफ़ी देर तक तैरते रहते हैं बहुत देर, ठीक है। तो ये बहुत देर तक इनका रेजिडेंस टाइम होता है, उसके लिए भी मास्क वगैरह करने पड़ते हैं। स्मोक इज अगेन ड्यू टू पार्टिकुलेट, स्मोक के अंदर बहुत से डिफरेंट पार्टिकल छोटे छोटे हैं वो होते हैं और ये सांस के लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, सांस की बीमारियां होती हैं पार्टिकुलेट्स की वजह से। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, बहुत सी डिवाइसेज हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। EMF पार्ट ऑफ एवरीडे अर्बन लाइफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, अगर आप देखें बिजली की तारें बहुत बड़ी बड़ी गुजर होती हैं उनके पास अगर आप गुजरें तो वहाँ पे थोड़ी देर अगर आप रहें तो आपको अनइजीनेस फील होता है इस वजह से, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक वेव्स। ओजोन बन रही होती है एक एग्जांपल, ओजोन की प्रोडक्शन भी है, और भी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं ये आपको डिस्टर्ब करती हैं आपकी बॉडी के साथ इंटरफेयर करती हैं। इसी तरह और इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है, कुछ लोग कहते हैं बट इट डज इस पर स्टडीज मिलती हैं, चिल्ड्रन आर एट रिस्क, मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं आपकी, माइक्रोवेव ओवन से है माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एहतियात करनी चाहिए रात को स्पेशली मोबाइल फोन आपको, ये मैं हाई रिकमेंड करूँगा, बहुत स्टडीज हैं कि आप रात को ऑन रखो अपने साथ रख के मत सोने से, अगर आपने साथ सोना है अलार्म लगाना है तो इसको ऑफ रखें।
या फ्लाइट मोड पे कम से कम करने हैं, बल्कि बेहतर है ऑफ करके सोएं, नहीं है वरना फ्लाइट मोड पे करने हैं, अदरवाइज आपका जो मोबाइल अगर ऑन है तो वो सिग्नल कैच कर रहा होता है एंड दैट्स डेंजरस एंड यू आर इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर फोन व्हेन यू आर स्लीपिंग एट नाइट स्पेशली दिन को सोने आप मूव कर रहे हैं, रात को आपके हेड के अगर पास है तो देखेंगे। नॉइस पोल्यूशन, अनवांटेड साउंड, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इनटू वेव्स, वी हियर साउंड्स व्हेन वी हियर व्हेन वेव्स आर मेड इन आवर ईयर ड्रम, लाउडनेस इज अ मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। सो नॉइस पोल्यूशन जो है साउंड ही टाइप है, बट अगेन हाई साउंड जो है उसको हम नॉइस पोल्यूशन में कहते हैं। लाउडनेस कितनी एनर्जी है वो मेजर करता है, जो डेसिबल में उसको मेजर करते हैं, ये देखिए ये है इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास। जीरो इज अ थ्रेशोल्ड यानी अनुसार होता है, और जो हमारे पास नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो 65 या 80 तक होता है, चलें 80 तक हम मान सकते हैं, इससे ऊपर जितनी है वो लाउड है और वो नॉइस पोल्यूशन है। चेनसा की एग्जाम्पल दी हुई है, जेट एयरक्राफ्ट की दी हुई है, रॉक म्यूजिक कंसर्ट विच इज वेरी लाउड हाईली डेंजरस जो हम देखते हैं आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, एनीथिंग अबव 45 और 50 इज वेरी वेरी डेंजरस। 50 के बाद जो लेन ओवर 65 के बाद जो है उसके बाद तकरीबन जो भी नॉइज है वो सारी नुकसानदेह शुरू हो जाती है, एंड ट्रॉमिक इंजीनियरिंग आपका कान का पर्दा भी फंस सकता है। आप देखेंगे रॉकेट इंजन जेट एयरक्राफ्ट जो आगे एग्जाम्पल दी है, तो ये बहुत ज़्यादा, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है और हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए बिकॉज इट ऑल्सो पुट हेल्थ इम्पैक्ट्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन डिपेंड्स ऑन एनर्जी पिच फ्रीक्वेंसी कितनी देर तक है, वेरी लॉयड नॉइज कैन कॉज इवन पेन। Any sound above 80 can cause hearing loss. मैंने बता दिया है, दस तो रॉक कंसर्ट होता है। Voluntary exposure. Sometimes we expose ourselves voluntarily. रजाकारना तौर पर हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग। Tobacco 30% of cancer tied to smoking. हम अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो यार वॉलंट्री एक्सपोजर, अपने आप को हम एक्सपोज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी महफिल में लोग स्मोकिंग कर रहे हो तो उससे बाहर चले जाएं। आपके दोस्त स्मोक कर रहे हैं तो परहेज करें, एहतियात करें, या ऊपर एयर में जाके बात करें तो बंद कमरे और स्मोकिंग कर रहे हैं और आप बैठे हैं तो आप उनका धुआं जो है वो आप ले रहे हैं, बल्कि हम उर्दू कहते हैं आप दूसरे का धुआं जो है सिगरेट पीने वाले का वो फांक रहे हैं और वो आप रजा कराना तो आप फांक रहे हैं, उसके इंतहाई नुकसान है आपकी सेहत के लिए, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक हो गया ना। सो अल्कोहल और अदर ड्रग्स खुद से पीते हैं लोग, वो भी नुकसानदेह, वायलेंट क्राइम्स, ओवरडोजेस, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, सारी जो है ये वॉलंटरी है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहता, आप खुद रजा कराना तौर पर अपने वजह से करते हैं। एंड ऑल दीज फॉर्म्स आर ऑफ वॉलंटरी एक्सपोजर दैट वी आर मेनी ऑफ अस आर बीइंग एक्सपोज्ड ऑन डेली बेसिस। जनरल इफेक्ट ऑफ प्रूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज अफेक्टेड बाय वन और प्रूडेंट और अदर। ये देखें ये जो है स्कीम है, किस तरह से कौन सा है मेटल या केमिकल कौन सी बॉडी से वो डैमेज करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और मर्की आपके ब्रेन को डैमेज करती है, आयोडीन और कोबाल्ट थायराइड को करता है, आयोडीन के एक्सेस की बात कर रहे हैं, फ्लो आर्सेनिक ब्रेनियम निकल आपकी स्किन को करता है। इसी तरह आप देख लें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कैडमियम, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये सारे डिफरेंट केमिकल्स हैं और आगे पास बताए हुए हैं कि वो बॉडी के कौन से ऑर्गन को डैमेज करते हैं। ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, और ये देखें वही चेंजेस इन अबंडेंस एग्जाम्पल्स आर्सेनिक उनके एग्जाम्पल्स दी हुई है, किस तरह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है पॉपुलेशन के ऊपर इन केमिकल्स का, अबंडेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, बर्थ रेट्स में, डेथ रेट्स में, ग्रोथ रेट में, पूरी आबादी जो है वो इफेक्ट हो सकती है वाइल्ड लाइफ की हम बात करेंगे अगर ये केमिकल्स इन्वायरमेंट में या फूड में शामिल हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एनिमल, एंड यू कैन सी एनिमल के भी डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट केमिकल्स किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं। एंड लास्टली एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी डिजीज होती है या बीमारी हम बात करते हैं दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है एक्यूट यूजली टू लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूट इफेक्ट इज द वन दैट अकर्स सून आफ्टर द एक्सपोजर, एकदम आपने कोई लार्ज एक्सपोजर लिया तो आप फौरन एक्यूट होता है, इमीडिएटली आपको उसके असरात नजर आ जाते हैं जब भी आप एक्सपोज होते हैं या कोई केमिकल या कोई टॉक्सिन आपको वर्किंग करता है। दूसरा होता है क्रॉनिक, जिसे हम कहते हैं स्लोली, क्रॉनिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ Often as a result of exposure to low level of pollutants. So, दोनों जो है वो नुकसानदेह हैं, acute तो फौरन नजर आता है आपको पता चलता है आप बच सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक जो है ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो सूली सूली आपको पता नहीं चलता होता और ऐसा ऐसा आप इफेक्ट हो रहे होते हैं और उसके बाद फिर बहुत एकदम से जाके जब बहुत ज्यादा हालत बिगड़ती है तो आपको पता चलता है। सो दिस वॉज बेसिकली हाउ एनवायरमेंट इफेक्ट आवर हेल्थ।
तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, कुछ फिनोमेना देखे हैं जैसे बायोमेडिफिकेशन है, उसके बाद प्रूटेंट्स पॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी हैं, कौन कौन से प्रूटेंट्स हैं पॉल्यूशन की टाइप्स हैं। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि हम एनवायरनमेंट में किस तरह से जो है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन हैं और किस तरह से हम अगर हमें अवेयरनेस हो और हमें पता हो तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और इन प्लूटेंट से केमिकल्स अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जो है फिर हम डिटेल में अदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बट दिस वॉज अबाउट हाउ एनवायरनमेंट इफेक्ट आवर